हेलो एवरियन आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने लूँ कि आप कैसे आपके किसी भी नॉइस की स्मार्ट वॉच को अपडेट यानी कि सिस्टम अपडेट कर सकते हो जैसे कि हम अपने फोन को अपडेट करते हैं तो देखो अभी मेरे पास से ये नॉइस की स्मार्ट वॉच अगर आपको इसे अपडेट करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे कि आप आपकी स्मार्ट वॉच को अपडेट कर सकते हो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी हमारी जो, जो स्मार्ट वॉच है ना इसमें यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आता जिससे कि हम स्मार्ट वॉच से स्मार्ट वॉच को अपडेट कर सके तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले तो आपको आपका जो फोन है आपको आपका फोन ले लेना है अभी आपको आपके फोन में

अभी आपको यहां पर दिखाई देगा हेलो अभी आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अभी आपको यहां पर आपका जो गूगल अकाउंट होगा उससे यहां पर लॉग इन कर देना है यानी कि जी मेल से लॉग इन कर देना है अब आपको ये जो परमिशन है इन्हें अलो कर देना है वाइल यूजिंग पे क्लिक करना है अलो कर देना है और ओके कर देना है अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी आपको यहाँ पर आपकी जो भी स्मार्ट वॉच होगी ना उसका नेम दिखाई देगा या फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पर स्कैनर दिखाई दे तो आपको क्या करना है देखो अगर आपको आपकी स्मार्ट वॉच का नेम नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आपको इस स्कैन पे क्लिक करना है और डायरेक्टली इसका जो क्यू कोड है उसे स्कैन कर देना है या फिर आपको थोड़ा वेट करना और इसके यहाँ पर आपको जो है स्मार्ट वॉच का या� नेम दिखाई देगा तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अभी हमें हमारी स्मार्ट वॉच का नेम दिखाई दे रहा है नॉइज फीट इवॉल्व टू प्लस आपको इस पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा नॉइज फिट इवॉल्व टू और यहाँ पर ये पैर हो रहा है तो अभी आपको कुछ देर वेट करना है जैसे आप वेट करोगे तो ये हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो हमारे फोन से पैर हो जाएगी और कनेक्ट हो जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अभी आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और अभी आपको प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है अभी फिलहाल के लिए हम नहीं करते हम बैक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुकी है अब आपको यहाँ पर क्या करना है अभी आपको यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये सारे ऑप्शन दिखाई देगा आपको कैंसिल कर देना है फिलहाल के लिए जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो ये सब कुछ करने पड़ेगा नहीं तो आपको नहीं करना कुछ ओके और ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ऑटो स्टार्ट ये जो ऑटो स्टार्ट है इसे भी आपको यहाँ पर एनेबल कर देना है फिट को बैक कर देना है अब आप यहाँ पर देख सकते हो अभी आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देगे अभी अगर आपको आपकी स्मार्ट वॉच को अपडेट करना है तो इसके लिए आपको ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर स्मार्ट वॉच का सिंबल दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच का नेम और वो सब कुछ आपको दिखाई देगा तो आपको यहाँ पर क्या है नहीं देखो आप नीचे की तरफ जब आओगे तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी तो आपको ये जो स्मार्ट वॉच का नेम दिखाई देगा ना इसपे आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये आपकी स्मार्ट वॉच का नेम और वारंटी वगैरह सब कुछ दिखाई देगा तो यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हो अभी हमें दिखाई दे रहा है चेक फॉर अपडेट्स तो आपको यहाँ पर आप क्या करना है, है? इसपे क्लिक करना है इस इसपे क्लिक करने के बाद योर वॉच इज़ अपू ऐसा हमें दिखाई दे रहा है मतलब कि अभी हमारी जो स्मार्ट वॉच है उसमें जो है पहले से वो अपडेटेड है लेकिन अगर कोई भी अपडेट अवेलेबल होगा तो फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी फिलहाल के लिए हमारी वॉच जो है पहले से ही अपडेटेड है तो कुछ इस तरीके से आप आपकी नॉइज फिट की स्मार्ट वॉच को अपडेट कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू सो मच